स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना पुलिस की टीम ने पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देशन में चार गैंगस्टर को पकड़ा, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस ने अजमेर रोड भीलवाड़ा हाईवे पर कार्रवाई को अंजाम दिया और इनके कब्जे से दर्जनों हथियार भी बरामद किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में चार बदमाशों का राजफाश किया। चंद्रा ने बताया कि मांडल थाने के कांस्टेबल की सतर्कता के चलते चार बदमाशों को पकड़ा गया था और उनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए थे। मंडल चौकी और SHO थानाधिकारी मंडल ने की है, तो निश्चित रूप से इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा पूरी टीम को और ऊपर भी उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि ये पुरस्कृत वहाँ के सर्टिफिकेट के मुकदमे भी उस पर दर्ज है। और वो बंदा इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, तो ये डायरेक्टली ये लोग उस गैंग के में ही काम कर रहे हैं, उस गैंग की तरफ से डायरेक्शन नहीं बल्कि उस गैंग का हिस्सा बनकर ही ये काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि सोपू गैंग से जुड़े हुए लड़के जो होते हैं वो हथियार और शूटर्स और ये इसी तरह के अपराधों में शामिल हैं। पर मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 332, 353, 307 और आर्म्स एक्ट। हमारी में टोटल 10 लोग हैं, जिनमें थानाधिकारी मांडल राजेंद्र कुमार गोदारा के अलावा ASI चिराग अली हैं, महेंद्र कुमार कांस्टेबल, स्वराज कांस्टेबल, गिरिराज कांस्टेबल, सुनील कुमार कांस्टेबल, सत्यवीर, हरिराम कांस्टेबल, नरेश कुमार कांस्टेबल और भारू राम कांस्टेबल। 10 लोगों की ये टीम नाके में थी, जो जिनके द्वारा ये कार्रवाई की। नाकाबंदी और पुलिस प्रेजेंस सड़क पे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि उससे अपराधियों में ये भय हो कि हर जगह पुलिस खड़ी है, निकलते समय वो सोचे एक बार के लिए और उनका आवागमन निर्बाध रूप से कहीं भी ना चल पाए। इसी नाकाबंदी के फलस्वरूप कल रात को मांडल चौकी के पास हमारा जो नाका लगा हुआ था, जिसमें थाने के हमारे थानाधिकारी, मैं अपने जाब्ते के साथ साथ ही जो मांडल चौकी का जो स्टाफ था वो हमारे जवान वहाँ पे नाका लगाए हुए थे, उसी क्रम में ये गाड़ी एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को दूर से ही देखकर आभास हुआ कि HR नंबर की है और संदिग्ध वाहन हो सकता है, इसे चेक किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस की प्रेजेंस देखकर गाड़ी को उन्होंने तेज़ी से निकालने का प्रयास किया। वहां मौजूद हमारे जाब्ते ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाब्ते के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मशक्कत के बाद हमारे जवान ने अपनी प्राइवेट गाड़ी स्टार्ट करके उन लोगों के आगे लगाई, उस गाड़ी को रोका गया। रोकने पे इन चारों को हमारे जाब्ते ने दबोच लिया, साथ ही गाड़ी की जब बारीकी से छानबीन की, जांच की अंदर से, तो उसमें टोटल छानबीन करने पे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ नज़र आई, हथियारों का एक बड़ा जखीरा उसमें मिला। 20 ऑटोमेटिक पिस्टल्स के साथ 37 मैगजीन्स उस स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में थी। इन लड़कों को पकड़ के जब इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि ये लड़के मध्य प्रदेश से के इंदौर से ये हथियार लेकर के आ रहे थे और हरियाणा में इसकी डिलीवरी करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में हमारी नाकाबंदी और मुस्तैदी से इस इन लोगों को पकड़ा गया, ये हथियार जब्त किए गए। और भी इन लोगों से पूछताछ और इनके फोन्स जब चेक किए गए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लॉरेंस गैंग का एक पार्ट है और लॉरेंस के जो भक्त हैं उनमें से ये यंग लड़के हैं, तो उसी 24-25 एज ग्रुप के लड़के हैं। तो ये इनके मोबाइल में लॉरेंस के फ़ोटोज़, इनके व्हाट्सएप फेसबुक पे लॉरेंस के फ़ोटोज़ और लॉरेंस की भक्ति में ये लोग काफ़ी उसमें हैं। जैसा कि ये सोपू गैंग के साथ हम सभी जानते हैं कि सोपू से जो लोग एसोसिएटेड रहते हैं वो लॉरेंस को अपना बहुत कुछ मानते हैं। तो ये लड़के लॉरेंस गैंग के ही इशारे पर ये हथियारों की डिलीवरी देने जा रहे थे। इसमें इन लड़कों को जो डायरेक्शंस मिल रहे थे वो एक शुभम बेगानी नाम के व्यक्ति से मिल रहे थे। शुभम बेगानी अभी जेल में है और शुभम बेगानी लॉरेंस का क्लोज एसोसिएट है उसकी गैंग में।
अब इसमें आगे और जांच की जाएगी और आगे की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाशों से 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन बरामद की गयी। ये सभी हथियार मध्य प्रदेश के इंदौर इलाके से खरीदे गए थे। उल्लेखनीय है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में नाकाबंदी की जा रही है और इसी दौरान वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है। इसके चलते चारों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी महेंद्र की बड़ी भूमिका रही, जहां गश्ती दल ने संदिग्ध वाहन कार का पीछा किया और मांडल तिराहे पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार के अंदर बैठे बदमाशों द्वारा पुलिस को हथियार दिखाकर और उन पर कार चढ़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उनके आगे एक निजी वाहन खड़ा कर उन्हें पकड़ा, जिसमें कार की तलाशी लेने पर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। वहीं पकड़े गए चारों आरोपियों में राजेंद्र उर्फ जोकर इन चारों का लीडर है। वहीं पकड़े गए आरोपी राजेंद्र के खिलाफ लूट, नकबजनी, हत्या का प्रयास आदि के कई प्रकरण दर्ज हैं। ये 4-5 साल से जेल में रहकर करीब 15 दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना मांडल में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की टीम में राजेंद्र कुमार गोदारा थानाधिकारी मांडल, चिराग अली सहायक उप निरीक्षक, महेंद्र कुमार कांस्टेबल, सौराज गिरिराज, अनिल कुमार सत्यवीर, हरिराम, नरेश कुमार सहित धारू राम कांस्टेबल शामिल रहे। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।